बीएन के सहकारी उपभोक्ता भंडार के चुनाव सोमवार को संपन्न हुए। गौरतलब है कि 25 साल बाद संचालक मंडल के चुनावों को लेकर सदस्यों में बहुत उत्साह रहा और 460 में से 372 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। शाम 4 बजे तक आयोजित वोटिंग के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू की गई। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार वोटों की गिनती के बाद 14 मत पत्रों को खारिज कर दिया गया। संचालक मंडल की 5 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में थे। वोटों की गिनती के बाद इंदु देवी शर्मा, गोविंद प्रसाद बाकोलिया, महावीर कुमार बाफना, रतन सिंह मेहता और रेणु दग्दी को निर्वाचित घोषित किया गया। भंडार के 1919 सदस्य हैं, इनमें से 460 सदस्य ही वोट देने के लिए योग्य थे, क्योंकि वोटिंग में सही सदस्य हिस्सा ले सकते थे जिन्होंने साल में भंडार से 2000 रुपए का गया सामान क्रय किया हो। चुनाव में रतन सिंह मेहता और महावीर बाफना ग्रुप के 5-5 प्रत्याशी मैदान में थे। वोटों की गिनती के बाद रतन सिंह मेहता के पैनल की इंदु देवी शर्मा, रतन सिंह मेहता और रेणु दग्दी को निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं दूसरे पैनल से गोविंद प्रसाद बाकुलिया और महावीर कुमार बाफना को निर्वाचित घोषित किया गया। मतगणना में इंदु देवी शर्मा ने मोनिका सकलेचा को 41 मतों से हराया। इंदु देवी को 200 मत मिले और मोनिका सकलेचा को 159 मत मिले। SC सीट पर गोविंद प्रसाद बाकुलिया को 148 मत मिले और उन्होंने रमेश नागोरा को 2 मतों से हराया। महिला सीट पर रेणु दग्दी को 174 वोट मिले, उन्होंने सुमित्रा भाटी को 30 मतों से हराया। इसी प्रकार महावीर बाफना को 203 मत मिले और उन्होंने गोविंद शर्मा को 7 मतों से हराया। रतन सिंह मेहता को 174 मत मिले और उन्होंने रमेश शर्मा को 22 मतों से पराजित किया। ज्ञात रहे कि बीएन के सहकारी उपभोक्ता भंडार संचालक मंडल के चुनाव साल 1994-95 में हुए थे। इसके बाद 1998 से प्रशासन नियुक्त हो रहे हैं। सोमवार रात को मतदान का परिणाम आने के बाद सहकार ग्रुप के रतन सिंह मेहता ने निर्वाचित प्रत्याशियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। साथ ही बीएन के भंडार का उत्तरोत्तर विकास करते हुए भंडार के व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाने का विश्वास दिलाया। बीएन के सहकारी उपभोक्ता भंडार के होलसेल चुनाव के अंदर सम्मानीय सदस्यों द्वारा जो मेरी टीम को सम्मान दिया और विजय बनाया, हमारे पिछले 5 बजे 3 जीत के आए हैं, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा प्रयास करके भंडार को ऊंचाइयों पर ले जाने का। 6 वर्ग व्यक्तिगत में सदस्यों में से निर्वाचित 3 और ग्राम सेवा सहकारी समिति में से श्री किशोर सिंह जी, महिला सहकारी समिति में से श्री मंजू वाफना, ये 5 प्रतिनिधि संचालक मंडल में चुने गए हैं। ये सभी अर्चना सहकार ग्रुप के हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि सहकार ग्रुप का जो घोषणा पत्र है उसको हम तुरंत लागू करने का प्रयास करेंगे। आपने हमारे ग्रुप के जीत में पूरा सहयोग दिया और इसी का परिणाम है कि हम हमारे प्रत्याशी श्री रतन सिंह जी मेहता, इंदु जी शर्मा, इनके सहकारी उपभोक्ता होटल भंडार के जो व्यक्तिगत सदस्य हैं उनके 5 पदों के लिए आज वोटिंग हुआ, जिसमें 372 कुल मत जारी किए गए, जिसमें 358 वैध मत पाए गए और 14 मत खारिज हुए। आज मतगणना के पश्चात जो परिणाम रहा उसमें जो महिला वर्ग से हैं इंदु देवी शर्मा रही हैं, दूसरी महिला रही हैं रेणु दद्दी। अनुसूचित जाति वर्ग से SC से गोविंद प्रसाद लड्डा जी निर्वाचित रहे हैं और सामान्य वर्ग से महावीर कुमार बाफना जी और मोनिका और रतन सिंह जी मेहता रहे हैं।